नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जिस तरह से देखा जा रहा है पिछले कुछ समय से जम्मू में जो है बारिशों का मौसम लगातार बना हुआ है और ऐसे में लोगों को इसका जो है खासा असर भी देखने को लोगों के ऊपर नजर आ रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस समय की बड़ी अपडेट जो हमारे पास आई है हम आपके साथ साझा करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में इस समय भूस्खलन का जो है मामला सामने आया है, जहां पर नगरोटा इलाके में जो है भूस्खलन होने के कारण यातायात काफी जो है प्रभावित हो गया है। और आपको बता दें कि लगातार वर्षा के कारण मिट्टी और मलबा जो है वो आकर सड़क के किनारे जो है आ गया है, और ऐसे में दोनों तरफ से जो आवाजाही है यातायात की उस पर खासा असर देखने को जो है नजर आया है। मौके पर जो है सीमा सड़क संगठन BRO की टीम जो है वहां पर पहुंच चुकी है, और राजौरी के कोंटरकंका बुद्धल रोड पर जो है मलबा और कीचड़ जो है साफ करने के में जो है लगी हुई है, और ऐसे में उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन BRO की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो मलबा और कीचड़ है इसे जल्द से जल्द साफ किया जाए, ताकि जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल पाए और ऐसे में किसी भी जानो माल का नुकसान जो है इसमें नहीं आया। अक्सर देखा जाता है कि जब भी मलबा या इस तरह का कीचड़ ढह जाता है तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ और कई बार ऐसे हमारे सामने हादसे भी पेश आते हैं जहां पर कई मकान जो है वो ढह जाते हैं और लोग जो है उस मलबे में गिर जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस समय कोई मामला इस तरह का सामने नहीं आया है, लेकिन बड़ी खबर जो ये है कि राजौरी में जो है मलबा भूस्खलन होने के कारण मलबा और कीचड़ जो है वो सड़क पर आ गया है, जिससे दोनों तरफ की यातायात को काफी इस समय मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यातायात को रोक दिया गया है और BRO की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो है कीचड़ और मलबा जो है उसे हटा लिया जाए, ताकि यातायात जो है वो सुचारू रूप से चल सके और लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो जो है वो दिक्कत जो है नॉर्मल हो जाए और जो जीवन है वो नॉर्मल गति से चलना शुरू हो जाए। तो इस समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की। इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।